नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका अचार कुकिंग में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा राजस्थान की बहुत ही पॉपुलर डिश। ये बनाना भी बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन बनाना इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और आप बना के 15 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसको राजस्थान में बोलते हैं दिल खुशियार। बहुत ही टेस्टी रहती है खाने में और एकदम सॉफ्ट, देख सकते हैं आप, मुँह में डालते ही घुल जाती है। प्योर शुद्ध घी में बनाते हैं। कई जगह इसको बेसन बर्फी बोलते हैं, मोहन थाल भी बोलते हैं हमारे राजस्थान में इसको बोलते हैं, तो हमारे राजस्थान में बोलते हैं इसको दिल कुशर। बहुत ही टेस्टी रहती है। तो मेरे क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा है, तो आप वीडियो सख्त लास्ट तक जुड़ी रहिए ताकि आप कम क्वांटिटी का बनाएंगे तो आपके बराबर समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं दिल कुशर। तो दिल कुशर बनाने के लिए अपने सबसे पहले बेसन लगेगा, तो इसमें थोड़ा बेसन दरदरा चाहिए, लेकिन मेरे पास दरदरा बेसन नहीं है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको भी अपन दरदरा बना लेंगे। ये राजस्थान की बहुत ही पॉपुलर मिठाई है दिल कुशियार, के शादी में एक मिठाई तो ये बनती बनती है लावणा देने में, और खाने में भी रहती है ये मिठाई। ये मैंने 4 किलो लिया है, तो ये देख के आप कम क्वांटिटी का ही बना सकते। तो इसमें 400 ग्राम अभी घी डाल देंगे देसी, 400 ग्राम इसमें दूध डाल देंगे, गाय भैंस का कोई भी ले सकते आप। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये प्रकार से आपको मिक्स करना है, तो ध्यान रखना आपको ऐसे दोनों हथेली के बीच में ऐसे मसलना है ताकि एकदम जाड़ा बेसन हो जाएगा, जैसा अपना दरदरा चाहिए वैसा हो जाएगा। तो सारे बेसन को ऐसे तैयार कर लेते हैं। तो आप देख से अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। हलवाई यही तरीके से करते हैं, मैं खुद एक हलवाई में करके आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। तो अभी इसको 10 मिनट ऐसे दबा के रख देते हैं, अभी 10 मिनट ऐसे रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुका है, तो एक बार इसको, तो आप देख सकते हैं एकदम बहुत ही बढ़िया मोगरी बनी है। तो सबसे पहले इसको मिक्सर में पीस लेंगे, तो मैंने मिक्सर का जार लिया है, तो इसमें डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के 5 से 7 बार इसको पीस लेंगे। अभी ढक्कन लगाता हूँ, आप चाहिए तो चलने से भी छान सकते हैं, बच्चा उसको मिक्सर में डाल सकते हैं, लेकिन मिक्सर में एक बार घुमा लेंगे पूरा एक सरे का हो जाएगा। तो ढक्कन लगा देते हैं और इसको पीस लेते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम दानेदार हो गया, जैसा सूजी रहता है ना वैसा ही चाहिए अपने को। अगर आपको छानना तो छान सकते हैं, लेकिन इसको छानने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे दरदरा बेसन चाहिए, देख सकते हैं आप, क्योंकि एकदम बारीक बेसन था, तो एकदम ईजी तरीका है इसको दरदरा बनाने का। तो एक परात में निकाल लेते हैं, तो मैंने परात लिए इसमें निकाल लेंगे। तो पहले सारा ये तरीके से बेसन को पीस लेंगे। तो हमने सारा बेसन पीस लिया है, तो सारा बेसन हमने पीस के तैयार कर लिया। अभी एकदम दानेदार है ये, देख सकते हैं आप, थोड़ा दरदरा चाहिए दिल खुशियार बनाने के लिए, दरदरा बेसन चाहिए क्योंकि बहुत ही बारीक था मैदे के जैसा। तो आप ये तरीके से करेंगे, एकदम ईजी तरीके से आपको बाद में पीस के ले सकते हैं, चाहिए तो आप छान भी सकते हैं, लेकिन इसको छानने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी इसको सेकना स्टार्ट करते हैं। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है, तो सबसे पहले इसमें घी डाल देंगे देसी घी। तो हमने 3 किलो घी डाला है, अभी लगा तो थोड़ा बाद में डालेंगे। 1 किलो में 800 से 900 ग्राम घी लगेगा, तो मैं 4 किलो का बना रहा हूँ। जो बेसन हमने तैयार करके रखा वो डाल रहा हूँ अभी। अभी इसको सेकेंगे, कंटिन्यू चलाते रहना ताकि नीचे लगे नहीं, और 40 से 45 मिनट सेकना है आपको, जब ही हलवाई वाली मिठाई बनेगी। बस कंटिन्यू चलाते रहना आपको, 40 से 45 मिनट इसको सेकना है अच्छे से, तब तक सेकना जब तक बादाम के जैसा कलर नहीं हो जाए उसका। अभी 16 से 17 मिनट हुआ है मेरे को सेकते हुए, और इसको 20 से 25 मिनट लगेगा। तो 4 किलो हमारा बेसन है, तो इसमें 4 किलो मम्मी हमने फ्रेश मावा लिया है। तो ध्यान रखिए जितना बेसन लेंगे उतना आपको मावा डालना है, उससे कम डालेंगे क्या वो टेस्ट नहीं आता है दिल कुशियार का, जो हलवाई वाला प्रॉपर रहता है। कंटिन्यू ऐसे चलाते रहना है ताकि बहुत ही बढ़िया दिल कुशियार बनेगा, क्योंकि मेहनत इसका सेकने का ही है, क्योंकि हलवाई की दुकान में जाते तो वहाँ से दिल कुशियार लेके आते तो बहुत ही बढ़िया रहता है, एकदम दानेदार रहता है। तो मैंने दानेदार कैसे बनाना वो भी तरीका बताया दिया, एक तरीका ईजी है और है वो भी मैं अभी सेकते हुए बताऊंगा, ताकि आप भी घर पे बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट हलवाई वाली दिल कुशियार बनेगी, जो हमारे राजस्थान में शादी में खास करके बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया अभी,
बादामी कलर हो चुका है। अभी 200 ग्राम करीब पानी डालेंगे। और 4 से 5 मिनट पानी डाल के पकाना है आपको, बस 5 से 7 मिनट और सेकना है आपको। तो आप देख सकते हैं एकदम बादामी कलर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया प्यारा कलर आया है। तो मेरे को इसको सेकते समय 40 मिनट लगा है पूरा। तो अभी इसमें डालेंगे मावा, तो 4 किलो मावा ये डाल देंगे। तो मैं 4 किलो का बनाया हूँ तो बराबर का लिया है। आप 1 किलो अगर बनाएंगे तो 1 किलो में बेसन में 1 किलो डाल सकते हैं, 800 ग्राम घी और उतना ही मावा, 800 ग्राम चीनी। तो मावा डालने के बाद भी आपको 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से सेकना है। तो हमारा चिक्के तैयार हो चुका है, कलर भी देख सकते हैं एकदम बादामी कलर है। तो सेकने का आपको ध्यान रखना, मेन सेकने के ऊपर ही कारीगरी रहती है, दूसरी चाशनी की रहती है। तो मेरे को पूरा 45 मिनट लगा है सेकने के लिए। तो अभी गैस को बंद कर देंगे और इसको परात में अलग निकाल लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो अभी एक परात में निकाल लेते हैं। तो मैंने परात लिए, परात में डाल लेंगे। बहुत ही अच्छा चिक्का है हमारा, एकदम बादामी कलर है, पूरा निकाल लेते हैं। तो हमने पूरा परात में निकाल लिया है, अभी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाएंगे तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा। तो अभी चाशनी बना लेंगे तो कढ़ाई में पानी डाल देते हैं पहले। तो कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया, तो पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो ये मैंने चीनी ले ली है, ये 3 किलो 200 ग्राम लिया मैंने, 4 किलो का बना रहा हूँ करके। अगर आपको मीठा कम लगे तो 1 किलो बेसन में 1 किलो भी चीनी डाल सकते हैं। मावा की और घी की हम चीनी नहीं पकड़ते हैं हलवाई लोग। पानी गर्म हो गया तो अभी चीनी डाल देंगे और इसको हिलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे नहीं। तो चाशनी में उबाल आ चुका है, तो अभी चाशनी में डाल देंगे केसरी फूड कलर। अगर आपको चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट लगेगा चाशनी तैयार होने को। केसरी कलर डाला तो कितना अच्छा कलर दिख रहा है। चाशनी बन के तैयार हो चुकी है, इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा उंगली को लगाएंगे ऐसे, और एक तार आना चाहिए, देख सकते हैं आप, एक तार ऐसा एक ही तार आना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा कड़क हो जाएगी। अगर थोड़ी कड़क भी हो गई तो आप थोड़ा पानी का छींटा दे सकते हैं। तो अभी गैस को बंद कर देते, इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे चला के ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो आप देख सकते हैं चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई, तो थोड़ी ठंडी भी हो चुकी है। अभी इसमें डाल देंगे जो दिल कुशहर हमने सेक के रखा, वो डालेंगे इसमें। तो ये डाल देंगे पूरा। तभी डालेंगे इलायची पाउडर, थोड़ा सा जायफल डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया रहता है क्योंकि हलवा यही ज़्यादा डालते हैं। आपको चाहिए तो जायफल डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है, और कलर भी बहुत ही बढ़िया है। कई जगह इसको मोहन थाल बोलते हैं, कई बेसन का परी बोलते हैं हमारे राजस्थान में बोलते दिल कुशहर। तो अभी इसके लिए ट्रे साफ किया है, तो ट्रे में डालेंगे। तो ट्रे ले लिया हमने, इसमें अच्छे से तेल लगा देते ताकि निकालने में ईजी हो जाए। तो हमने ट्रे लिया, तो ट्रे में डाल देंगे। तो चम्मच की मदद से पूरा एक सरीका कर देते हैं चारों तरफ। तो अभी लगाएंगे चांदी बरक, तो गार्निश करेंगे। ग्रीन पिस्ता लिया मैंने, अभी डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम। प्रॉपर मैंने जो मिठाई की दुकानें बनाते हैं हलवाई, वो तरीके से मैंने बताया है। अभी 5 से 6 घंटा ऐसे रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं इसको, क्योंकि फ्रिज में रखने से चिड़ी हो जाती है और पानी हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे ऐसे ही। तो 6 से 7 घंटा हो गया, तो हमारी दिल कुशहर अच्छे से सेट हो चुका है, देखिए। अभी इसका कटिंग कर लेते हैं। अभी कटिंग कर लेंगे पहले। अभी ये साइड से कटिंग कर लेंगे।
तो हमारा दिल कुशार कटिंग करके तैयार हो चुका है। अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सबसे पहले पहले साइड में से एक दो पीस निकालेंगे ताकि निकालने में इजी हो जाए। तो अभी निकाल लेते हैं, ट्रे के ऊपर ही लगा देंगे। तो हमारा प्रॉपर हलवे वाला दिल कुशार बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया डिश रहती है और प्योर शुद्ध घी में रहती है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप बना के 15 दिन स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है ये।